अस्सलाम वालेकुम। आज पूरा देश में लॉकडाउन है तो लोग बाहर भी निकल रहे तो मास्क लगा के, तो आज मैं सोच रहा हूँ क्या कि आज मास्क पे वीडियो बना देता हूँ। एक मास्क, इससे पहले काफ़ी मास्क बना के लोगों को दिया हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग का भी कुछ फ़ायदा हो, और चाहे तो आप देश ये मास्क बना के बेच भी सकते हैं। तो मैं तो यहाँ 40 रुपये में एक मास्क बना के बेचा हूँ, आप भी बेच सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कटिंग दिखा देते हैं, पूरा फिक्स जितना मैं नाप रहा हूँ उस हिसाब से आपको नाप के कटिंग करना है। पहले देख लेते हैं, ये थैला है, कपड़े वाला थैला है, कपड़ा और पेपर दोनों मिक्स है। टोटल देख लेते इसका लेंथ कितना है, ये देखिए। अब इसको क्या करेंगे, ये चौड़ाई रहेगी 5.5 इंची चौड़ाई रहेगी, 5.5 इंची लंबाई रहेगी। अभी इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा 4 मास हो गया, फिर फिलहाल में 1 मास बना के आपको दिखाना है। एक थैला में 8 मास बनती है, छोटा थैला इसको वैसे करेंगे क्या, यहाँ पे इतना फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड यहाँ पे करेंगे, यानी ये चौड़ाई जो रहेगी ना 3.25 इंच रहेगी चौड़ाई, देखिए 3.25 इंच आ गई है। क्योंकि इससे पहले मैं बनाया हूँ इसलिए मुझे अंदाज मिल गई है। अब क्या करेंगे, हम बारीक सा कपड़ा कट करेंगे। ये 14 इंची रखी है, 14 इंची, ये इसमें साइड में जो डोरी रहेगी 14 इंच रहेगी। हम इसको बारीक सा मोड़ेंगे, क्या करेंगे एक सिलाई मार लेंगे ताकि ये बैठा रहे, अब बाद में फंसाने में आसानी हो। यहाँ से हम इसको ऐसे दोनों तरफ से मोड़ लिए, अब इसको अंदर डाल देना है, यानी इसको फंसा देना है। अब दूसरा तरफ भी हम इसी तरह बारीक मारेंगे सिलाई। ये याद रहे कि डोरी है ना मोटा नहीं होना होना चाहिए, एकदम बारीक रहे, जितना बारीक रहेगा उतना फिनिशिंग आएगी। अब इसको अब यहाँ से हम इसमें फंसा देंगे, क्या करेंगे ये दोनों को बराबर कर लेंगे। ये देखिए दोनों को बराबर करके और यहाँ से बीच सेंटर में 12.5 इंच की डोरी रखेंगे, 12.5 इंच है रखेंगे तो ये परफेक्ट कान में बैठ जाती है। ये देखिए क्या करेंगे, इसको ये हमारा सीधा हिस्सा हुआ, अब इसको इस तरह करके हम इसमें अटैच कर लेंगे, यानी रख कर।
अब इसको लगा के भी हम आपको दिखा देते हैं इस तरह का। ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा बनने के बाद मांस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कम से कम, और चैनल पे पहली बार कोई भी आए सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करें, और कमेंट करके ये भी बताएं कि कैसा लगे वीडियो। ये देखिए मांस परफेक्ट कान में बैठ गई है, और जिस हिसाब से मैं साइज़ बताया हूँ उस हिसाब से अगर आप बनाएंगे ना परफेक्ट बैठ जाएगी, आपको कहीं पे भी काटना छाड़ना नहीं पड़ेगा।